आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, विथ एग्जांपल प्रोग्राम बना के भी आपको समझाएंगे कि वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इनहेरिटेंस में यूज करते हैं, जब हम एक क्लास से दूसरे क्लास को ओवरराइड करते हैं और हमारा एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो चलिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेफिनेशन लिखते हैं। तो ए क्लास विच कंटेन एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, यानी ऐसा क्लास जो एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन कंटेन करे, जिसके पास हो, वही होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो वी कांट डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ प्योर वर्चुअल क्लास, यानी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते उस क्लास के लिए, लेकिन जिस क्लास से ये डिराइव है, यानी जिस डिराइव क्लास से ये इनहेरिट है, हम उस डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसे एक्सेस कर सकते हैं। और हम इसे इनहेरिटेंस के थ्रू करेंगे, क्योंकि हमारा एक डिराइव क्लास होगा और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फंक्शन को एक्सेस करेंगे, जो भी नॉर्मल मेंबर फंक्शन होंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, एक्सेप्ट प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब हम जान लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंटैक्स क्या होता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन हम कैसे लिखेंगे क्लास के अंदर कि वो हो जाए एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हम लिखेंगे, एक क्लास बनाता हूँ मैं ए नाम का, और अगर इसी क्लास के पब्लिक सेक्शन में हम लिख देते हैं, बना देते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो ये ए क्लास हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो मैं यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन लिखने के लिए वर्चुअल कीवर्ड हमें लिखना पड़ता है, वर्चुअल वॉइड सो हमारा फंक्शन का नाम है, और एंड करना पड़ता है जीरो से, यानी इक्वल टू जीरो, और वर्चुअल कीवर्ड जिस फंक्शन में लगा हो वही होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन, और ये जिस क्लास में होता है उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। लेकिन जब हम इसे किसी दूसरे क्लास से इनहेरिट करते हैं, किसी अदर क्लास से, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसके नॉर्मल मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारे मेंबर फंक्शन हो सकते हैं, एक्सेप्ट प्योर वर्चुअल फंक्शन, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और हम इसे इनहेरिटेंस के थ्रू ही कर सकते हैं। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन हम इसका रेफरेंस या फिर पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं। उस पॉइंटर या रेफरेंस के थ्रू हम इसके मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करा के जब हम पॉइंटर से फंक्शन को कॉल करेंगे, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अदर जितने भी मेंबर फंक्शन हैं वो हम इजीली पॉइंटर या फिर रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बताएंगे कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। तो हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन के फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, प्योर वर्चुअल फंक्शन आर वर्चुअल फंक्शंस विच हैव नो डेफिनेशन, यानी ऐसा फंक्शन जिसका कोई डेफिनेशन नहीं होता, जिसका हम कर्ली ब्रेसेस से बॉडी नहीं बना सकते, कोड नहीं लिख सकते, वो होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। दे स्टार्ट विथ वर्चुअल कीवर्ड एंड एंड्स विथ इक्वल टू जीरो, जो वर्चुअल कीवर्ड से स्टार्ट होता है और इक्वल टू जीरो से जो एंड होता है, जिसे हम इक्वल टू जीरो से असाइन करते हैं, और जिसका हम बॉडी नहीं बना सकते जिस फंक्शन का, वो होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। और जिस क्लास में हम इसे लिखते हैं उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। तो अगर हमें उस क्लास के फंक्शन को उसी क्लास से एक्सेस करना है, तो हम रेफरेंस वेरिएबल या फिर पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन का। तो इफ वी डोंट ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन डिराइव क्लास, अगर हम डिराइव क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन के नाम से कोई दूसरा फंक्शन नहीं लिखते उसी सिग्नेचर से, तो वो डिराइव क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। और जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमें कंपाइल एरर देगा, कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी हमें वॉइड सो नाम का फंक्शन अगर हम डिराइव क्लास बनाते हैं तो हमें वहाँ भी वॉइड सो नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, पर वो मेंबर फंक्शन होगा, नॉर्मल फंक्शन, वो प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं होगा, जैसा कि हमने क्लास ए में बनाया है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि क्या होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन का। वी कांट चेंज द सिग्नेचर ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन, हम प्योर वर्चुअल फंक्शन का सिग्नेचर चेंज नहीं कर सकते, इसे हम वर्चुअल वॉइड सो इक्वल टू जीरो से ही लिखते हैं, तभी ये
प्योर वर्चुअल फंक्शन एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होता है जिसमें एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं और हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। और प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, हमने आपको यही बताया कि जिसे हम वर्चुअल कीवर्ड के साथ इक्वल टू जीरो के साथ लिखते हैं वो होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। इस फंक्शन का बॉडी हम नहीं बना सकते और ये फंक्शन जिस क्लास के अंदर होता है हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। उसके बाद हमने आपको प्योर वर्चुअल के तीन पॉइंट्स दिए। अगर आप ये टोटली डेफिनेशन लिख देते हो तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम जानते हैं कि प्योर वर्चुअल फंक्शन का प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो चलिए अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में हमने हेडर फाइल लिखा है हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच हैज़ इंक्लूड कोनार डॉट एच। ये दो हेडर फाइल है जो कि किसी भी सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग में कॉमन होते हैं। तो अब मैं एक क्लास बनाता हूँ ए नाम का। तो मैंने लिखा क्लास ए। तो इस क्लास के अंदर मैं एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाता हूँ। तो उसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्शन में हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे। तो हम लिखेंगे वर्चुअल, ये एक कीवर्ड है। उसके बाद फंक्शन का नेम, तो void show, void return type हो गया, show हो गया फंक्शन का नेम और equals to zero, तो ये हो गया प्योर वर्चुअल फंक्शन। और इस फंक्शन का हम बॉडी नहीं बना सकते और क्लास ए का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसमें हम और भी मेंबर फंक्शन बना सकते हैं, नॉर्मल मेंबर फंक्शन। तो मैं एक डिस्प नाम का फंक्शन बना देता हूँ, बस ये समझाने के लिए है। तो इसके अंदर मैं एक मैसेज दे देता हूँ। तो सी आउट के अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ हाय आई एम बेस क्लास। इससे क्या होगा, जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये मैसेज हमें प्रिंट में मिलेगी। यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया हाय आई एम बेस क्लास। तो ये हमारा नॉर्मल मेंबर फंक्शन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ बी नाम का। इस बी नाम के क्लास में मैं ए क्लास को इनहेरिट कर देता हूँ। तो मैं लिखूँगा पब्लिक ए। तो बी क्लास जो है ए के सारे फंक्शन को एक्सेस करेगा एक्सेप्ट प्योर वर्चुअल फंक्शन, क्योंकि उसका तो बॉडी बनता नहीं है। तो इसके अंदर भी मैं पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन बना देता हूँ। तो यहाँ पे हमें फंक्शन उसी नाम से बनाना है जिस नाम से हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है, क्योंकि हम कंपाइलर को यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें लेट बाइंडिंग परफॉर्म कराना है। तो यहाँ पे हमें void show नाम का फंक्शन ही बनाना पड़ेगा क्लास बी के अंदर। तो मैं लिख दूंगा void show, पर ये हमारा नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, ये कोई प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर भी एक मैसेज दे देता हूँ सी आउट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय आई एम डिराइव क्लास। तो अगर हम डिस्प वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो वाला मैसेज प्रिंट होगा, और अगर हम क्लास बी के शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें ये मैसेज प्रिंट में मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्लास ए हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लास बी में हमने क्लास ए को इनहेरिट किया है और क्लास बी में यानी डिराइव क्लास में हमें उसी नाम का फंक्शन बनाना है जिस नाम से हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन बना हुआ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम void main फंक्शन में जाएंगे और void main फंक्शन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक्सेस करने का कोशिश करेंगे। तो मैं void main फंक्शन के अंदर सबसे पहले डिराइव क्लास यानी बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो ob नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और इस ob नाम के ऑब्जेक्ट से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के डिस्प फंक्शन और बी क्लास के शो फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के डिस्प फंक्शन को कॉल करता हूँ, यानी क्लास ए के डिस्प फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से बी क्लास के ऑब्जेक्ट से, तो हमें मैसेज प्रिंट में मिलेगा आउटपुट स्क्रीन में हाय आई एम बेस क्लास। यानी हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नॉर्मल मेंबर फंक्शन को भी कॉल करके एक्सेस कर सकते हैं। चलिए कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो हमें प्रिंट में मिलना चाहिए हाय आई एम बेस क्लास। तो हमें मैसेज प्रिंट में मिल गया। अब हम क्या करते हैं, शो फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं शो फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। तो ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्ट क्लास बी का है तो क्लास बी के फंक्शन को तो ये कॉल करेगा ही। तो अब हमें मैसेज प्रिंट में मिलना चाहिए हाय आई एम डिराइव क्लास। तो अगर हमें क्लास ए के पॉइंटर वेरिएबल से अगर उसके फंक्शन को कॉल करना है तो हम उसको भी कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन के अंदर क्लास ए का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्लास ए का एक पॉइंटर बना दिया और इस पॉइंटर के अंदर हमें
क्लास बी के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड कराना पड़ेगा। तो हमारा पॉइंटर क्या किया है, ओ बी नाम का जो ऑब्जेक्ट है क्लास बी का, उसके एड्रेस को होल्ड किया है। और हम जब पॉइंटर से शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें मैसेज प्रिंट में मिलना चाहिए हाई आई एम डिराइव क्लास। तो हमें मैसेज प्रिंट में मिल गया हाई आई एम डिराइव क्लास। तो इस पॉइंटर से हम डिस्प फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें बस यहाँ पे डिस्प लिखना पड़ेगा और जब हम कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो फिर हमें मैसेज प्रिंट में मिलेगा जो डिस्प फंक्शन के अंदर हमने दिया है। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि हम क्लास बी के ऑब्जेक्ट से एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नॉर्मल मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। और क्लास ए के पॉइंटर से भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नॉर्मल मेंबर फंक्शन और जिस क्लास से ये इनहेरिटेड है उसके भी मेंबर फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंटर से हमने void show और void disp दोनों फंक्शन को एक्सेस करके बताया और क्लास बी के ऑब्जेक्ट से भी हमने दोनों फंक्शन को एक्सेस करके बताया। तो ये था एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जाम्पल। अगर आपको एग्जाम्पल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।